आके उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर के पास चलना है कि नहीं। अरे अभी तक यहीं घर के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आके देखें। बोला है एक्सरे करा रहे हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है 6 दिसंबर एंड अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:42 हो रहे हैं। एंड बहुत ही रैंडमली मैंने व्लॉग शुरू करा है, शाम के 5 बजे व्लॉग शुरू करना इज थोड़ा सा रैंडम। ताकि भाई मैं सुबह से सोच रहा था कि व्लॉग करेंगे, देन मैं भूल गया था, और रियल मैं भूल गया था व्लॉग करना। तो देन मैं सोचा कि आज शुरू कर लेते हैं। एंड एक फैक्टर ये भी है कि भाई थोड़ा सा मैं अपनी टांग तोड़वा के बैठा हूँ, तोड़वा के तो नहीं बैठा, लाइक मोच टाइप की आई हुई है। बिकॉज हुआ क्या था, पिछले वेंसडे को एंकल ट्विस्ट हो गई थी पत्थर से, देन मैंने बीच में बैडमिंटन खेलना शुरू करा, तो देन इतना ज़्यादा दर्द नहीं था ट्विस्ट के बाद, मैं स्टिल खेलता रहा। देन दर्द होते 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 थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, देन स्टिल मैं खेलता गया। तो संडे को हम जब खेल के आए तो घर पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग टाइप की हो गई थी, तो अभी भी काफ़ी दर्द है। तो भाई इस पैर में काफ़ी ज़्यादा है, कल तो स्वेलिंग भी थी बट अभी ठीक है। देन अभी का सीन कुछ ऐसा है कि शायद मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा, फॉर सेफ साइड एक्सरे करा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी स्वेलिंग थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी है। तो प्लान तो यही है, अब मम्मी आती है मम्मी ऑफिस से, देन अगर गए तो दिखाते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हॉस्पिटल जैसा कॉन्टेंट आएगा ना, तो मैं भी ऐसा था कि चलो बनाते हैं, यूज़ ले रहा हूँ कुछ नहीं। करेंटली तो सीन है भाई, जो 12वीं वाले उनको पता होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ रिऑप्टिक्स, फिजिक्स का एक चैप्टर है, तो वही कर रहा हूँ। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशन हैं लंबे लंबे, तो वो करने पड़ रहे हैं। एंड प्लस एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो भाई अच्छे खासी तरीके से एकदम दिमाग पे लगी हुई है, तो बस वही कर रहा हूँ। एंड मम्मी का वेट करते हैं, देन आके उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर के पास चलना है कि नहीं, देन फिर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं इसको एंड देन फिर मिलते हैं। फॉर अ चेंज मैंने अपने पुराने वाले फ़ोन से व्लॉग नहीं करा, मैं एक्सा से व्लॉग नहीं करा, ये मम्मी का फ़ोन है, मेरे को छोटा फोन चलाने का मन था तो मैंने उनसे चेंज कर लिया। एंड इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा वाइड कम है, मैंने ऐसे नोटिस करा, बिकॉज XR में एक्स्ट्रा वाइड एंगल तो था नहीं, बट स्टिल उसमें इतना भी नॉर्मल जो मैं होल्ड कर रहा हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता था। बट इन इसमें मैंने अभी क्लिप देखी तो काफ़ी जूम्ड इन शक्ल देखी है, तो ये मैंने थोड़ा सा नोटिस करा एकदम, ये थोड़ा सा वियर्ड हो गया कि मैं अभी भी मिरर में देख रहा हूँ तो मेरे को पूरा हाथ इतना स्ट्रेच करना पड़ रहा है, तो मुझे वाइड दिखाना है, मैं यूजुअली इतना होल्ड करता था, शायद हल्का हल्का कट रहा है। जो भी है, फोन चलाने में मजे तो बहुत आ रहे हैं। गए अभी तक यहीं घर के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आके देखें, यहाँ पे अगर कोई नहीं मिलता तो दिन आके जाएंगे। अभी चलते हैं अंदर ही। ऐसे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी 15-20 मिनट हो गए हैं बैठे बैठे, बट वो OPD में है, बोला है कि 6 बजे तक आएंगे, अभी टाइम हो रहा है 5:44, 15 मिनट और वेट करते हैं नहीं तो वापस चलते हैं, इतनी देर तक कौन रुकेगा, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं अलग। ले आए हैं इनको, डॉक्टर ने एक्सरे का बोला है, एक्सरे करा रहे हैं। More moments later. हमें अपन भी अपनी गाड़ी ऐसी रैप करा ले। अच्छी अपनी वो करी है, हाँ मम्मी बोल रही है अच्छी लगेगी, आप पापा को मना लो फिर करा लेते हैं। पापा तो कभी ना मानेंगे, मस्त लग रही है एकदम, तो वो वाली वाइब दे रही है, हबीबी भी वेलकम टू दुबई। नहीं तो खड़े चलते हैं। घर आ गए थे एंड डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस तो है नहीं, 5 दिन की उन्हें दवाई दी है, एंड एक एंकल बाइंडर आता है वो करके उन्हें बोला कि लगा के रख लो, एंड कुछ एक दूसरी जगह था उनको थोड़ा लगा कि वहाँ कुछ हो सकता है, बट वहाँ कुछ दर्द नहीं था, तो उन्हें बोला ये मेडिसिन लो 5 दिन बाद, अगर दर्द कुछ नहीं कम होता है, अगर ऐसा लगता है फिर भी तब वापस आके दिखा देना, बट आई गेस हो जाएगा। वही मेरे को लग रहा था, बस मुझे एक दिखाना था कि क्यों ज़्यादा दर्द हो रहा है उतना उस हड्डी पे, क्योंकि स्प्रेन आई गेस मसल टाइप पे थोड़ा पेन होता है, बट सोचा दिखा लेते हैं। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ सीरियस बोला नहीं, एक्सरे भी उन्हें चेक कर लिया था, देन अभी घर आ गए एंड लग रही है बहुत तेज भूख। मम्मी बना रही है मस्त गोभी के पराठे भाई, एकदम फेवरेट है एकदम, इस सीज़न में हुडी और गोभी एकदम मस्त, मज़ा आ जाता है। दो कई लोगों को नहीं पसंद, आई नो, बट ठीक है, सबके अपने अपने पसंद है, हुडीज तो सबको पसंद है, गोभी सबको नहीं पसंद होती,
जैसे मम्मी आती हैं देन खाते हैं एंड फिर कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हे गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई एकदम मजेदार नींद ली है। तो कल रात का सीन था भाई, मैं कितना क्या क्या दिखाता, मतलब एक जगह बैठा ही हुआ था। तो मैं सोचा थोड़ा कल सुबह मिलेंगे, तो जस्ट थोड़ी देर पहले उठा हूँ एंड अभी चलते हैं नीचे कुछ खाते पीते हैं। देन देखता हूँ ये व्लॉग कितना होना है, एडिट करके जल्दी से डाल देता हूँ। बिकॉज मेरे को ना आजकल शूट करने में उतना वो नहीं लगता, बट जितना एडिट करने में आलस आता है उस चक्कर में ना व्लॉग ही नहीं डाल पाते एंड ऐसे ही होता है। मैं एक व्लॉग शूट करा था और वो आया ही नहीं क्योंकि एडिट नहीं हो पाया। तो देन चलते हैं। एंड भाई ये अपना सिंथेसाइजर रखा है, मस्त बजाते रहते हैं इसको, मतलब बढ़िया लगता है एकदम। अगर आपने मेरे गाने नहीं सुने तो मैं इस वाले चैनल पे एक दो शॉर्ट्स डालना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इंस्टा पे अगर आप यहाँ पर लिंक आई होगी आपको फॉलो करना तो कर लो, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा कवर्स डालता रहता हूँ मैं। तो इस चैनल पे भी सोच रहा हूँ कि एक बार डाल देता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा यहाँ भी रीच मिल जाए। तो देन लेट्स गो, देखते हैं क्या है। मम्मी वैसे पोहा बोल रही थी बनाया, बट मेरे को उतना कुछ पसंद आता नहीं। अच्छा देखते हैं, खाना तो पड़ेगा दवाई लेने। लेट्स गो। बोलना पड़ेगा, जल्दी से लेते हैं इसको खोलते हैं। सुबह सुबह मेहनत, एकदम सनकेस्ट हो गया हम दूध। गाने सुनो गाइस, दिन में मुझे कचरे गाने सुनने मिलते हैं और शाम को जब शादियां शुरू हो जाती हैं तो डीजे सुनने मिलते हैं। सुनते रहो, सब सुनो। Meanwhile ऑल्सो कि मेरा अमेज़ॉन अकाउंट में थोड़ा इशू आ रहा था, लाइक मतलब मेरा नंबर ऑलरेडी लॉग इन था बट वो लॉग इन ही नहीं कर रहा था और चक्कर में मेरा प्राइम नहीं चल रहा था। तो मैंने बोला भाई ये कैसी है, तो मैं कस्टमर केयर की एकदम जान खा गया। आधे घंटे से लाइक 15-20 मिनट का कॉल हो गया उनके साथ, वही पता नहीं, अरे पता नहीं क्या था, नंबर डालता था बट वो बोलता नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता जबकि मेरा अकाउंट चल रहा है उस नंबर से। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई थी। देन मैंने ईमेल पे कराया उसको। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड लाइक, अपने दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कोशिश करूंगा जल्दी ब्लॉग डालूं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, स्टे सेफ, बाय बाय। भाई मैं भी एडिटिंग कर रहा था इस ब्लॉग की एंड मेरे को एडिटिंग करते करते ये लगा कि भाई इस घर में घर के अलावा हॉस्पिटल अलावा कुछ भी नहीं दिखा है एंड मैं कहीं गया भी नहीं तो मैं क्या ही दिखाता। तो इट्स लाइक अ होम स्लैश हॉस्पिटल ब्लॉग, एच स्क्वायर ब्लॉग। मेरा ह्यूमर बहुत ब्रोक है यार, मुझे रियलाइज हो जाता है कभी कभी। तो देन बस एंड की तरफ बढ़ते हैं एंड मतलब मैंने कर रहा था, मैं नोटिस करा कि साले मैं घर के और रूम के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर जब पैर ठीक हो जाएगा तो बाहर भी दिखा देंगे।